दरोगा तैयारी में किस डाइट में क्या क्या कुछ ले रहे हैं, क्या किस चीज़ से परहेज कर रहे हैं? हाँ सर, परहेज चावल है, और जैसे हम लोग का वेट ज़्यादा है तो केला नहीं ले रहे हैं। अवॉइड तो करें राइस एंड ये टी, चाय से चाय, चाय से चावल, सर बोले ये दोनों अवॉइड करना है। कार्बोहाइड्रेट है और जॉब दिख रहा है सामने, तो कंट्रोल ऑब्वियस है। चावल पसंद है? हाँ, बहुत बिहारी हूँ ना। सुबह सुबह जो कि केला, दूध और काजू किशमिश, और फिर चावल नहीं खा रहे हैं। जो बाहर के फास्ट फूड वगैरह है उसे छोड़ना होगा, और सुबह में जो आप ले सको जैसे रोटी वगैरह होगा, चावल वगैरह तो खाना चाहिए, क्योंकि चावल ज़्यादा फैट होता है ना इसके कारण। ये तो पहले चावल माना है, और नॉनवेज में जैसे चिकन हो गया वो माना किया गया, खास करके चिकन माना किया गया, और अंडा खाने के लिए कहा गया। नॉनवेज अभी नहीं खा रहे हैं, चावल नहीं खा रहे हैं, जो भी फैटी चीज़ जिसमें कार्बोहाइड्रेट है वो भी नहीं खा रहे हैं हम लोग, सिर्फ प्रोटीन ले रहे हैं। सर, फैटी चीज़ें अवॉइड कर रही हूँ और प्रोटीनस चीज़ें ले रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ, थोड़ा बहुत ले रही हूँ। दरोगा, 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 आज हम फिर से हाजिर हैं दरोगा की जो तैयारी है इसका एक नया वीडियो लेकर। जी हाँ, आज हम दरोगा की तैयारी करने वाले बच्चों के बीच में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दरोगा की जो वो तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिजिकल तैयारी जो कर रहे हैं, उसमें क्या कुछ वो डाइट में ले रहे हैं, कितनी मात्रा में उनका जो डाइट रूटीन है क्या कुछ है, कितनी मात्रा में वो ड्राई फ्रूट का सेवन ले रहे हैं, और जो खाना खा रहे हैं कितनी मात्रा में खा रहे हैं, और किन चीज़ों का अपने खाने में परहेज कर रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम पटना के दरोगा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के बीच में जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वो डाइट में ले रहे हैं। अवॉइड तो करें राइस एंड ये टी, चाय से चाय, चाय से चावल, सर बोले ये दोनों अवॉइड करना है, तो ये तो छोड़े हुए हैं बिल्कुल। और फिर सुबह में वही चना और एक सेब, और अगर मन किया तो दूध एक गिलास बस, और फिर उसके बाद 11 बजे तक वही 3 रोटी एंड सब्जी जो मिलता है हॉस्टल में हम लोग को, और फिर दोपहर में वही ये चावल तो अवॉइड ही करना है, वो रोटी एंड दाल और सब्जी। रात के खाने में क्या है? रात में तो दूध तो बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है, तो दूध लेते हैं हम लोग और वही रोटी और सब्जी। कितनी मात्रा में रोटी ले रही हैं रात में? रात में एटलीस्ट 4 ले लेते हैं। 4 रोटी ले? हाँ, 4 ले लेते हैं। नॉनवेज में क्या कुछ ले रही हैं? नॉनवेज तो ये चिकन मिलता है हॉस्टल में 2 दिन, और अंडा 1 दिन मिलता है, और ऐसे अगर मन किया तो फिर जूस वगैरह बाहर से लिए या फिर अंडा वगैरह लिए तो फिर वो। सर, मीट क्या ले रही हैं? नहीं, मीट बिल्कुल नहीं ले रही। नहीं, मीट बिल्कुल नहीं है, जो चिकन मिल रहा है, अंडा मिल रहा है, और कभी मन किया तो वो, तो मैं तो वो क्या कहते हैं 30 अंडा लेके आई हूँ, मन करता है तो बॉयल करके खा लेते हैं। बताइए, चावल जो है क्या उसको अवॉइड कर पाना आसान है? हाँ, कुछ दिन लगा था, बस 2-3 दिन, अब तो चावल खाने का मन भी नहीं करता है, ऐसा हो गया है कि अब बिल्कुल भी खाने का मन कर, लेके भी बैठता है तो बस वो। तो चाय से चावल और चाय से चाय जो है उसको बिल्कुल अवॉइड कर दिया। मुझे तो चावल और चाय मेजरली यहाँ पे मना कराया गया है, और सर ने कहा है कि अगर वैसी आदत है चाय की तो तुम कॉफ़ी लो और थोड़ा ड्राई फ्रूट्स। हर सुबह उठ के मैं यहाँ के लिए प्रिपेयर हो जाती हूँ, यहाँ आती हूँ, और अभी तो मेरी बॉडी काम नहीं करी, मैं पूरे दिन सोती हूँ, उसके बाद फिर इवनिंग में यहाँ आने के लिए रेडी हो जाती हूँ। अच्छा, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह कितनी मात्रा में लेंगे? मैं 15 काजू और 15 किशमिश भिगो के बस अभी यही ले रही हूँ, अदरवाइज सर ने डेट्स भी खाने को कहा है। चावल पे कंट्रोल आपका कैसे हुआ है? कार्बोहाइड्रेट है और जॉब दिख रहा है सामने, तो कंट्रोल ऑब्वियस है। तो चावल पसंद है? हाँ, बहुत बिहारी हूँ ना। तो कैसे इसको इग्नोर कर रही है? बस सामने एक साइज इंस्पेक्टर जॉब दिख रहा है, बस ऐसे इग्नोर कर रही हूँ। अच्छा, और चाय पे कैसे? चाय के सर ने निकोटीन के लिए ऑप्शन दिया है, क्या तो सॉरी कैफीन के लिए, तो कॉफ़ी ले रही हूँ। दिन के खाने में, रात के खाने में रोटी जो है कितनी मात्रा में? मेरी डाइट है 3, तो मैं 3 लेती हूँ अपने डाइट दोनों में। हाँ, नॉनवेज में क्या कुछ? मैं नॉनवेज नहीं खाती बचपन से, मैं सुबह सुबह जो कि केला, दूध और काजू किशमिश, और फिर चावल नहीं खा रहे, रोटी नाश्ते में 2 रोटी, फिर दिन में 2 रोटी, फिर रात में 2 रोटी। हाँ, हरी सब्जी? हरी सब्जी वही करेला, भिंडी, नेनुआ, यही सब। केले कितने केले ले रहे हैं? और 4 केला सुबह, 4 केला शाम। और काजू वगैरह, काजू किशमिश कितनी मात्रा में? 1 कटोरी काजू किशमिश और पिस्ता बादाम। मीट का सेवन कर रहे हैं? हाँ। क्या रेड मीट खा रहे हैं? रेड मीट नहीं खा रहे। नॉनवेज में क्या ले रहे हैं? नॉनवेज में क्या ले रहे हैं? नॉनवेज में ही चिकन। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी मैं, जो बाहर के फास्ट फूड वगैरह है उसे छोड़ना होगा, और सुबह में जो आप ले सको जैसे रोटी वगैरह होगा, चावल वगैरह तो खाना चाहिए, क्योंकि चावल ज़्यादा फैट होता है ना इसके कारण,
तो आपको चावल नहीं खाने हैं, बाहर का फास्ट फूड नहीं खाने हैं। सुबह में आप ले सकते हो मूंग चना वगैरह और ड्राई फ्रूट्स वगैरह या रोटी वगैरह, मतलब नॉर्मल। कितनी मात्रा में ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं? ज़्यादा नहीं, अपने ऊपर डिपेंड करता है आप कितना लेते हो। दोपहर के खाने में रोटी वगैरह कितना लेते हो? रोटी अब क्या बोलूँ, मेरी तो है 2-3-4 इससे एक्स्ट्रा। रात में भाई 2 मिल्क वगैरह। नॉनवेज में क्या ले रहे हैं? मैं नॉनवेज खाती ही नहीं, बिल्कुल नहीं खाती। नहीं सर, फिलहाल तो नॉनवेज पूरी तरह से छोड़ चुके हैं हम। और सुबह में सबसे पहला मेरा जो डेली का रूटीन है, मॉर्निंग उठना, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेना, उसके बाद चना और गुड़ खाना, उसके बाद रात में हम किशमिश को पानी में डाल देते हैं और सुबह हम उसका सेवन करना, उसके बाद फिर क्लास चले जाते हैं, उसके बाद फिर दोपहर में 12 बजे रोटी का सेवन करते हैं, रोटी खाते हैं, चावल छोड़ चुके हैं। उसके बाद सर फिर शाम में भी हम ग्राउंड पर आ चुके हैं मुनिलोक स्टेडियम में, उसके बाद अभी यहाँ से रनिंग करने के बाद रूम पर जाएंगे और पहले तो रास्ते में जूस पियेंगे 2 गिलास संतरा वगैरह या जो भी हो पपीता का। उसके बाद सर रात में हल्का खाना खाते हैं, हल्का डाइट लेते हैं ताकि मेरा बॉडी फ्री रहे, और थोड़ा बहुत रात में मतलब ज़्यादा खा लेंगे तो फिर पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए हल्का खाते हैं। रात में 2 रोटी खाते हैं और हरा सब्जी जितना ज़्यादा मात्रा में हम सेवन करें, साग हो या। ये तो पहले चावल माना है, और नॉनवेज में जैसे चिकन हो गया वो माना किया गया, खास करके चिकन माना किया गया, और अंडा खाने के लिए कहा गया, ज़्यादा ज़्यादा नहीं मतलब नॉर्मल खा सकते हैं। और डाइट के लिए सुबह सुबह पहले चना, गुड़, मूंग भी ले सकते हैं, और लाइट खाना यूज़ ज़्यादा करने के लिए बोले हैं, और ज़्यादा डाइट नहीं है, और ड्राई फ्रूट्स दोपहर लंच के थोड़ा देर बाद जैसे आप मतलब परहेज कर सकते हैं, और नॉर्मल जो हेल्दी खाना खाने के लिए गया है जैसे मतलब हरी सब्जी, हल्का फुल्का खाना जो मसाला ना हो ज़्यादा करके, लाइट खाना ही यूज करने के लिए कहा गया। मॉर्निंग में जो अंकुरित चीज़ें ले रही हैं कितनी मात्रा में ले रही हैं? ज़्यादा नहीं मतलब, उसके बाद नाश्ता भी करना है लाइट, इसलिए थोड़ा सा यूज़ करने के लिए कहा गया है, मतलब एक मुट्ठी तक चलेगी। ये अब ड्राई फ्रूट्स कितना ले रहे हैं? ड्राई फ्रूट्स मतलब जिसको पसंद है वो थोड़ा ज़्यादा भी ले लेता है, जो पसंद नहीं है वो अपना थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब कि वो उसके हफनी पे डिपेंड करता है, जिसका स्टेमिना ज़्यादा है मतलब जिसका कम है उस हिसाब से ज़्यादा करके छोरा लेने के लिए कहा गया है, उसे हफनी होता है सो कम होता है इसलिए, और पसंद के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पसंद है। चावल को कैसे अवॉइड कर पा रही है? चावल तो फेवरेट है लेकिन करना पड़ रहा है क्योंकि एम है SSGD, इसलिए अवॉइड करना पड़ रहा है। दरोगा तैयारी में किस डाइट में क्या क्या कुछ ले रहे हैं, क्या किस चीज़ से परहेज कर रहे हैं? हाँ सर, परहेज चावल है, और जैसे हम लोग का वेट ज़्यादा है तो केला नहीं ले रहे हैं उसके जगह पे, फिर उसके जगह पे एक स्मार्ट दूध आती है सुधा वाली, वो भी यूज़ कर रहे हैं, फैट वाला जो दूध है 24 वाला उसको कम यूज़ कर रहे हैं। और बोलिए, इधर रोटी हो गया, सब्जी हरा सब्जी है, मीट मछली अंडा इस सब ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। नॉनवेज ले रहे हैं? नॉनवेज में आप रेड मीट ले रहे हैं? रेड मीट मतलब क्या? मतलब मटन ले रहे? ना मटन अभी मीट नहीं ले रहे, इतना महंगा है सर, हम लोग आती नहीं कर। अच्छा, ये काजू किशमिश ले रहे? हाँ काजू किशमिश ले रहे हैं। कितनी मात्रा में ले रहे? जैसे 10 काजू का उसमें कूट के जो है, फिर किशमिश और बादाम 2 करके अब दूध में ही मिला के ले रहे। दूध में मिला के उसको शेक में? तो दूध सिर्फ ये जो शेक है ये रात में पी रहे हैं या 2 टाइम? नहीं रात में सर, सिर्फ रात में। हाँ ये सब रात। रोटी किस तरह? जैसे हम लोग दौड़ते हैं तो दौड़ने में हरासमेंट हो रहा है तो उसमें हल्का सा हल्दी का मात्रा डाल के, और सुबह में ले रहे हैं थोड़ा सा। नॉनवेज अभी नहीं खा रहे हैं, चावल नहीं खा रहे हैं, जो भी फैटी चीज़ जिसमें कार्बोहाइड्रेट वो भी नहीं खा रहे हैं हम लोग, सिर्फ प्रोटीन ले रहे हैं। तो नॉनवेज में क्या नहीं ले रहे हैं? नॉनवेज में नहीं, नॉनवेज ले रहे हैं, बल्कि बॉयल ले रहे हैं, जैसे बॉयल फिश हो गया, बॉयल एग, बॉयल मतलब चिकन हो गया। मीट ले रहे हैं? नहीं मीट नहीं ले रहे, बिल्कुल नहीं ले रहे। काजू किशमिश में क्या ले रहे हैं? ड्राई फ्रूट? ड्राई फ्रूट में अखरोट ले रहे हैं, पिस्ता ले रहे हैं, बस 5 अखरोट, 5 पिस्ता, 5 बादाम, 5 मुनक्का, पिस्ता, ये सब चीज़ ले रहे हैं। हरी सब्जी में क्या कुछ ले रहे हैं? हरी सब्जी में जो भी है, परवल हो गया, नेनुआ हो गया, भिंडी हो गया, पालक हो गया। अच्छा, और रोटी भी कितनी ले रहे हैं दोपहर में? बस लंच में 3 रोटी और डिनर में 3 रोटी, ब्रेकफास्ट में बस फ्रूट खा रहे हैं, चावल नहीं खा रहे हैं। क्या कुछ डाइट प्लान है, किस चीज़ का सेवन कर रहे हैं, पूरा रूटीन बताइए, कैसे क्या कुछ खा रहे हैं, कितनी मात्रा में खा रहे हैं, किस चीज़ का परहेज कर रहे हैं? सुबह जो है चना मूंग जो हम फुला के रखते हैं उसको खा लेते हैं, उसके साथ चना मूंग हो गया, और बस यही सुबह का है।
उसके बाद फिर खाने में जो है दूध रोटी वगैरह सब खा रहे हैं, और चावल बिल्कुल बंद कर दिया गया, चावल हम लोग नहीं खा रहे हैं, बिल्कुल चावल नहीं खाते, और हर वो चीज़ जो फैट बढ़ाता है उसको नहीं खाते हम लोग, तो नहीं खा रहे नहीं। आप जो अखरोट ये चना ये गुड़ जो ले रहे हैं सब कितनी मात्रा में ले रहे हैं? बस 100 ग्राम के आसपास, यही होता है, ज़्यादा नहीं, बस 100 ग्राम के आसपास। हरी सब्जी में क्या कुछ ले रहे हैं? हरी सब्जी में बाकी सब पालक भिंडी जो भी है नेनुआ वगैरह सब कुछ खा रहे हैं, सलाद में खीरा वगैरह भी खा ले रहे हैं। दोपहर में कितनी रोटियां ले रहे हैं? 3 से 4 रोटी बस। 3 से 4 रोटी जी। रात में भी वही है, रात में दो तीन से कम ही लेते हैं, रात में कम खाते हैं। चावल बिल्कुल अवॉइड करते हैं? चावल बिल्कुल बंद है। अभी तो नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ मैं, ठीक है, तो सिर्फ बॉयल अंडा खाते, तो ये बोले हैं पीला वाला भाग निकाल के, और दूध आधा लीटर एक आदमी को, और उसमें शक्कर डाल के पीना है, ठंडा करने गर्म नहीं पीना है। और क्या बताया गया है? मॉर्निंग में ड्राई फ्रूट्स वगैरह में क्या कुछ ले रही हैं? मॉर्निंग में काजू पिस्ता और अखरोट। कितनी मात्रा में ले रही हैं? थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा नहीं। दोपहर के लंच में? रोटी सब्जी सलाद चावल बना है, हो नहीं पा रहा है, लेकिन अभी तो फर्स्ट दिन है, कैसे भी करके कर लेंगे। रात में वही रोटी सब्जी दूध बस, चावल नहीं खाना, तीन रोटी बस, तीन रोटी खाते ही है। सब्जी में क्या कुछ ले रही हैं? हरी सब्जी में सब कुछ, पालक सब कुछ। हाँ, तो नॉनवेज पूरा अवॉइड किया हुआ है? नहीं, अब हम खाते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं खाते, नहीं खाते, सिर्फ बॉयल अंडा खाते। तो अंडा डाइट प्लान में सबसे पहले तो जंक फूड का परहेज कर रहे हैं, जिससे अवॉइड रह रहे हैं, और सुबह में अंकुरित चीज़ें जैसे मूंग हो गया, चना हो गया, ये खा रहे हैं सुबह में। उसके बाद फिर दोपहर में थोड़ा बहुत चावल खा लेते हैं, उसके बाद रात में 3-4 रोटी, और कुछ भी शाम में जैसे कि कुछ मतलब प्रोटीन वाली चीज़ हो गया वो सब खा लेते हैं, किशमिश हो गया और ये काजू, ये सब, यही है डाइट प्लान। चावल कितनी मात्रा में ले रहे हैं दोपहर में? चावल थोड़ा ज़्यादा मात्रा में नहीं खा रहे हैं, क्योंकि इससे फैट का भी ध्यान रख रहे हैं। तो चावल से क्या मन नहीं हट पाता है चावल से? चावल एक्चुअली खाने का मन करता है, इसीलिए थोड़ा खा लेते हैं। ठीक नहीं खा रहे, सिर्फ एक खा रहे हैं। सिर्फ फैटी चीज़ें अवॉइड कर रही हूँ, और प्रोटीनस चीज़ें ले रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ, थोड़ा बहुत ले रही हूँ। मॉर्निंग में ड्राई फ्रूट्स वगैरह कितनी मात्रा में ले रही हूँ? वो सिर्फ किशमिश ले रही हूँ सर। किशमिश कितनी मात्रा में? थोड़ा बहुत बस। और दोपहर के खाने में क्या कुछ ले रही हूँ? रोटी सब्जी दाल। कितनी रोटी? अभी तो 3 ले रही हूँ सर। और सब्जी में क्या क्या? जो अभी तो हॉस्टल में रहती हूँ, तो जो हॉस्टल में मिलता है बस वही। क्या हरी सब्जियाँ हॉस्टल में मिल पा रही हैं? उस तरीके से तो नहीं, जिसे हम घर पे खाते हैं उस तरह से तो नहीं अवेलेबल हो पा रहा। रात में क्या कुछ ले रही हैं? बस वही जो मिलता है हॉस्टल में। अदरवाइज बाहर से कुछ जूस वगैरह? या हाँ, कभी कभी जूस ले लेती हूँ, नारियल पानी ले रही हूँ, हॉस्टल में जो अवेलेबल होता है बस वही। नॉनवेज खा रही हैं? जी। मीट ले रही हैं? नहीं, वहाँ हॉस्टल में मिलता भी नहीं है और लेना भी नहीं है सर, अवॉइड करना है। अंडे वगैरह ले रही? हाँ। कितना ले रही हैं? वीक में एक ले रही हूँ, वैसे बहुत ज्यादा पसंद नहीं। के रूटीन के साथ जी बस वही चल रहा है। पर्सनली अपने लिए आप लेकर आती हैं अंडे वगैरह की? नहीं सर, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं होता है, और भी कुछ करना होता है। तो आज हम दरोगा की तैयारी करने वाले लड़कों और लड़कियों के बीच में गए, और उनसे जानने की कोशिश की कि क्या कुछ वो अपनी डाइट में ले रहे हैं, कितनी मात्रा में वो खाना ले रहे हैं, और क्या कुछ चीज़ों का परहेज कर रहे हैं। तो लोगों के बीच से ये बात निकल कर आई है कि जो तैयारी करने वाले दरोगा की जो तैयारी करने वाले जो लोग हैं, जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, चावल का, चाय का और मीट का जो सेवन है वो कम कर रहे हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने नॉनवेज को बिल्कुल ही छोड़ दिया है। तो इस तरह से जो लोग हैं वो दरोगा की जो तैयारी है उसमें अपनी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, और झोंक दी है उन्होंने अपनी ताकत, अपने डाइट को भी वो फॉलो कर रहे हैं, बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो कर। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए livecities.in पर जरूर जाएं। अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं सुजीत सागर, लाइव सिटीज पटना।